brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. राजा भैया जिन्होंने फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में तब उठापटक मचा कर रख दी जब चुनाव पूर्वांचल में प्रवेश कर रहा था। पहले बीजेपी को समर्थन देने की खबरों के बीच राजा भैया ने अचानक से सपा को खुले तौर पर अपना समर्थन दे दिया और प्रतापगढ़ और आसपास के इलाके का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। ऐसे में राजा भैया का समर्थन मिलने के बाद ही अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जब पहुंचते हैं तो अलग ही नजारा प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। यहाँ राजा भैया के समर्थक और सपा समर्थकों में अलग ही दोस्ती की मिसाल देखने को मिली। किसी सपा समर्थक ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गमछा गले में डाल रखा था तो किसी राजा भैया के समर्थक ने सपा का झंडा उठा रखा था। कुल मिलाकर तस्वीर एकदम जबरदस्त, दोस्ती का अलग ही सियासी संदेश देती हुई। और तो और अखिलेश यादव के मंच से राजा भैया के समर्थन में बकायदा नारेबाजी की गई। सपा की रैली में जनता की तरफ से राजा भैया के समर्थन में खूब नारे लगाए गए। उसकी उम्मीद शायद ही हाल फिलहाल में किसी राजनीतिक पंडित ने की थी। दरअसल अखिलेश यादव के मंच से राजा भैया के समर्थन में नारेबाजी की गई। सपा की रैली में जनता की तरफ से राजा भैया के समर्थन में खूब नारे लगे। इस रैली में राजा भैया के समर्थक एक हाथ में सपा का झंडा तो दूसरे में राजा भैया की पार्टी का झंडा थामे नजर आए। वहीं यूपी तक से बातचीत करते हुए राजा भैया के समर्थकों ने कहा कि उन्हें ऊपर से एक फोन आया था। वहां से कहा गया कि भारी संख्या में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं और राजा भैया के समर्थकों को अखिलेश यादव की रैली में जाना है और इंडिया गठबंधन का समर्थन करना है। आप भी देखिए कि अखिलेश यादव की रैली में राजा भैया के समर्थक ने क्या अंदर की जानकारी दे दी। राजा भैया की तरफ से जो आप लोग आए हैं, संदेश गया था इसीलिए आए हैं। दो ढाई लाख की भीड़ थी। बगैर पैसा का ही वोट कहना है। कितने की संदेश दिया, किसने संदेश दिया था? फोन पे आया था संदेश, वही आया था अखिलेश सिंह समाचार आया था, वही आए थे। दो ढाई लाख की भीड़ थी यहाँ पे। दो ढाई लाख की भीड़ थी। क्या कहा अखिलेश यादव ने? राजा भैया का नाम लिया यहाँ पे? राजा भैया का नाम लिया, कांग्रेस पार्टी के नाम लिए और साइकिल के सब पे। तो ऊपर से फोन अब राजा भैया का आया या किसी और का, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। और साथ ही आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। प्रतापगढ़ से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।